नीमच तहसील के ग्राम भाटखेड़ा में स्थित समस्त पेयजल स्रोतों में अडानी विलमार फैक्ट्री का केमिकल मिसकर मिलने से पीने का पानी दूषित हो रहा है। पीने के पानी के लिए रहवासी 2-2 किलोमीटर दूर दौड़ लगाना पड़ती है। वहीं पास के गांव चंपी भड़िया खाल से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। गांव के पेयजल स्रोतों में केमिकल मिलने से पानी पीने लायक नहीं रहा है। वहीं किराना फसल लहसुन व प्याज की फसल को भी दूषित पानी से बड़ा नुकसान होता है, इसलिए किराना वाली फसलें किसान उगा नहीं पा रहे हैं। दूषित पानी से रहवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। शीघ्र ही समस्या का निदान किया जाए। यदि समय रहते समस्या का निदान नहीं हुआ तो भाटखेड़ा वासियों के हित में जंगी आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ये बात जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष ओम दीवान के नेतृत्व में जिला कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश मित्तल व भाटखेड़ा गाँव के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन देते समय कही। ग्राम पंचायत भाटखेड़ा, हमारा गांव भाटखेड़ा, वहाँ पानी पीने का पानी अडानी विलमार द्वारा जो प्लांट चलता है उसके कारण केमिकल छोड़ा जाता है तो कुएं के माध्यम से अंदर आ रहा है, तो वहाँ पी नहीं सकते हम। हमारी फसलें ख़राब होती है, जैसे लहसुन प्याज गेहूँ, ये अगर अपन मंडी में बेचते हैं तो कम भाव मिलता हो तो अपने सरकारी उचित मूल्य पर खरीदती है तो शासन खरीद लेता है। बाकी हर चीज़ में केमिकल वगैरह, इससे कहीं गाँव ग्रामीणों को मतलब पत्थरे की बीमारी, कुछ भी और भी बीमारी होती है जो इलाज कराने के, हमको कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसके लिए टैंकर हिंगोरिया है या चंपी गांव है या बरखेड़ा है या अर्किया खाल है, या ग्रामीण सब परेशान है। इसलिए हम कलेक्टर साहब पे आए, कलेक्टर महोदय से हमें निवेदन किया है कि हमें समस्या को हल किया जाए और उसे उचित कार्रवाई और प्लांट पर भी उचित कार्रवाई की। वर्षों से पीने के पानी की समस्या है और वो समस्या इस कारण है कि जो अडानी का जो सोयाबीन प्लांट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का रिसाव होता है। तो भाटखेड़ा के आसपास एरिए में, प्रॉपर भाटखेड़ा में भी 1.5-2 किलोमीटर रेडियस में वो केमिकल मिक्स होता है, तो वहाँ के जो निवास रहते हैं लोग वो पीने योग्य पानी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, वो केमिकल का रिसाव होता है तो वहाँ जो काश्तकार हैं वो किराना फसलें भी उस केमिकल रिसाव के कारण उनकी जो उपज होना चाहिए वो उपज भी पूरी, चाहे किराना फसल लहसुन हो प्याज हो ये सब घोल हो, इनकी पैदावार कम से कम होती है। और इन्हें पीने का पानी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर या तो चंपी या हड़किया खाल टैंकरों के माध्यम से पीने के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और इनका इसके साथ साथ इनका आर्थिक नुकसान भी होता है। तो उस संबंध में हमने कलेक्टर साहब से ये करा है कि जो अडानी विलमार प्लांट है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि रिफाइनरी चालू नहीं है, जबकि वो प्लांट लगातार चालू है, ये रिफाइनरी चालू है, इसके कारण वो केमिकल का रिसाव होता है। हमने ये कलेक्टर साहब से अनुरोध करा है कि तुरंत से तुरंत संबंधित विभाग को आदेश करें, वहाँ की जाँच कराएँ ताकि वहाँ के निवासियों को पीने का शुद्ध जल मिल सके और जो फसलें हैं वो भी उनकी उपज अधिक से अधिक हो सके। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।